अब आवाज आई मुझे, मेरी आवाज आ रही है आवाज नहीं आ आप रही, लोगों आवाज नहीं आ को? रही। आ रही हाँ है, दीदी आ रही है, आ रही है आवाज। आप अपना माइक चेक करिए, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है मतलब मेरी आवाज जा रही है ना। आपके वहां से वीडियो ऑफ होगा या म्यूट होगा, आप देख लिए ठीक है। हाँ तो हमने हमारी आप, ऑडियो तो ज्वाइन है, उनकी तरफ से कुछ दिक्कत है, हमारी तरफ से नहीं। अच्छा मेरी आवाज सबको आ रही है ना? ठीक हाँ है, मैम हाँ आ रही दीदी है, आ रही है, आ आ रही रही है, है, आ रही बस है, ठीक। क्लियर आ रही तो है। हमें पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान मैंने आपको बोला था आपको करके आना है। तो आप लोगों को हमने पिछले बार डिसाइड करा था, क्या क्या हमने पढ़ा था अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही है, भाभी जी? आपके इसमें कुछ आवाज फॉल्ट नहीं आ होगा, रही। बाकी सबको आ रही है ना, आपके इसमें कुछ फॉल्ट होगा, आप वो निकाल दीजिए अपना। शायद हो सकता है आपके माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो पंच परमेष्ठी भगवान का हमने ध्यान किया था लास्ट टाइम, हमने आसन कर लिया था, आसन हमें पूर्व दिशा में करना है। उसके बाद प्रतिज्ञा मैंने आपको बता दी थी, आगे हम चलेंगे। प्रतिज्ञा के बाद हमने दिग्वंदना सीख लिया था, दिग्वंदना आपको बता दिया था मैंने, हमें कैसे चारों दिशाओं से एनर्जी ग्रहण करनी है। उसके बाद हमने प्राणायाम से नमोकार मंत्र का, आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं आ रही। आप अपने ही निकाल दीजिए आपको सुनाई आएगा। टेक आउट योर माइक्रोफोन्स, आपको सुनाई नहीं आ रहा इसलिए, है ना वही। और आपको फिर मैंने इसके बाद बताया था दिग्वंदना करना। दिग्वंदना के बाद हमने माइक्रो, अपने जो हैंड्स हैं उसको पावर हैंड्स कैसे बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। पावर हैंड्स बनाने के बाद हमने सुरक्षा कवच अपने ऊपर बनाया था पंच परमेष्ठी भगवान का, ये भी हम बना चुके थे। और सुरक्षा कवच बनाने के बाद हमने ओमकार ध्यान किया था, मन शुद्धि, आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हमने बताया था आपको। मन निर्मलीकरणम, पवित्र वचन निर्मलीकरणम और काय निर्मलीकरणम, कैसे हमें मन शुद्ध, वचन शुद्ध और काय शुद्ध करना है, ऑरा कैसे क्लीन करना है, हमने ये सारी चीजें पिछले बार सीख ली थी ठीक है। अब हमें इसके बाद आज आगे चलना है, सारा काम करने के, सारी चीजें सीखने के बाद हम आगे चलेंगे। नमोकार मंत्र के बारे में, ध्यान के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि नमोकार मंत्र क्या है। नमोकार मंत्र असीम ऊर्जा का केंद्र है, यह सब ऊर्जा का खेल है। जब तक हमारे अंदर ऊर्जा है तब तक हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। यदि ऊर्जा कम हो जाती है तो कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। यह पूरा विश्व ऊर्जा से भरा पड़ा है, भांति भांति की ऊर्जा यहाँ मौजूद है। इसी तरह से अच्छी ऊर्जा अंदर लें इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। अज्ञानवश यह ऊर्जा का सही इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमें एक तंत्र टेक्निक की आवश्यकता है। हमारे पंच परमेष्ठी यानी पावर स्टेशन है। असीम ऊर्जा मानो सैटेलाइट और नमोकार मंत्र एंटीना या केबल। अगर हमारे पास एंटीना या केबल लगा हुआ है तो हमें और कुछ करना नहीं पड़ता, बस टीवी शुरू करो और कार्यक्रम दिखने लगते हैं, वो भी सोफा पर बैठे बैठे। जो ध्वनि शास्त्र है, उच्चारण शास्त्र है, रेजोनेंस थेरेपी, बीजाक्षर शास्त्र, मातृका विद्या, रंग चिकित्सा, मुद्रा शास्त्र, योगा, प्राणायाम, ध्यान, हर कसौटी पर नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। नमोकार मंत्र को किसके उपमा दूं? यह है कल्पवृक्ष, यह है कामधेनु, यह है चिंतामणि रत्न। हमारे पास यह अनोखा रत्न है और हम हैं कि मुट्ठी भर चीजों के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। इतना अज्ञान, इतनी मूढ़ता, क्यों ना हम वैज्ञानिक दृष्टि से नमोकार मंत्र की ओर देखें, नमोकार मंत्र का जाप करें। आप आजकल देख रहे हैं न्यूज चैनल पर लगा हुआ है फुल टाइम, दुनिया के किसी ना किसी कोने में सुनामी, धरती कंप, बाढ़, अकाल, महामारी फैली हुई है। इन इनकी दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, यह कम पड़ रहा है इसलिए मानव निर्मित भ्रष्टाचार, आतंकवाद, चोरी, दंगे, फसाद, यही सब कुछ हर दिन होता रहता है। तब इतने बड़े पैमाने पे क्यों हो रहा है? यह सवाल वैज्ञानिकों के मन में भी उभर आया। वैज्ञानिक भाषा में से EPW कहते हैं, आइंस्टाइन पेन वेव। अपना मोबाइल साइन कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए प्लीज। यह ईपीवी जहां जहां निर्माण होती है वहां वहां विनाश अटल है। ईपीवी मींस आइंस्टाइन पेन वेव जिसे कहते हैं, जो ये सारी चीजें जो जितने भी
क्रूर कत्ल खाने हमारे यहाँ खुल रहे हैं। ये उत्पन्न होने का कारण प्रमुखता से तीन है, क्रूर कत्ल खाने, गर्भपात सेंटर या मानवीय मस्तिष्क की स्वार्थी लहरें। कुल क्रूर कत्ल खाने में तो सारी चीजें आ जाती हैं, इतने आज का हमने चाइनीज का भी देख लिया, क्या क्या काट काट के नहीं खाते, कौन से जानवर कैसे नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीजें जो महामारी फैल रही है, जो इतना भूकंप वगैरह सब आ रहा है, इसका कारण यही सब है। यह जब यह बहुत बड़े पैमाने पर एक ही जगह में होता है तो वहां का हवा मंडल प्रकंपित होता है और आइंस्टाइन पैन वेव का निर्माण हो जाता है। नतीजा है संहार, प्रलयकारी संहार जो आज हमें दिखाई दे रहा है, यह हुआ कारण। लेकिन इसका निर्मूलन कैसे किया जाए, उसके लिए यह एंटी आइंस्टाइन पैन वेव्स का निर्माण होना आवश्यक है। ऐसे प्रकंपन जो इस प्रलयकारी प्रकंपनों को शांत कर देंगे, यह एंटी आइंस्टाइन पैन वेव्स सिर्फ मंत्र जाप से पैदा होती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रकंपन नमोकार मंत्र से उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी जानकारी दे रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये 27 ग्यारह 1997 में जिनीवा स्विट्जरलैंड विश्वधर्म परिषद हुआ था, उसी परिषद में विश्व शांति निर्माण करने वाले महामंत्र के रूप में नमोकार मंत्र को मान्यता दी गई थी। मानवीय मस्तिष्क चार प्रकार की लहरों का निर्माण करता है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। इनमें से थीटा जो होती है लहरें, वह शांति निर्माण करने में सहायक होती है। नमोकार मंत्र जाप करते समय सबसे ज्यादा मात्रा में थीटा लहरों का निर्माण होता है। यह मंत्र व्यक्तिगत स्तर पर काम करती है, लेकिन सामूहिक जाप से एंटी आइंस्टाइन पैन वेव्स का निर्माण होता है, जो विश्व शांति का महान कार्य करता है। अब हमें बीमारी क्यों आती है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, हमने अभी तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ा है, कषाय हम जितनी करते हैं, हमारे पास में जो भी हम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष करते हैं, तो हम क्या अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, तो क्रोध मान माया लोभ द्वेष निगेटिव कषाय है। इससे हमारे भाव कैसे होते हैं, अशुभ भाव। हमने 53 भाव के बारे में पढ़ा है, अभी हमने कल ही परसों पढ़ा है 53 भाव के बारे में। तो हमारे अशुभ भाव होते हैं, उन अशुभ भाव से हमारे अशुभ परिणाम होते हैं, और हम अशुभ परिणाम करते हैं तो अशुभ आश्रव हमारे परमाणु में प्रभाव होता है उसका, अशुभ आश्रव हमारे पास आते हैं। आश्रव मीन्स कर्मों का आना, और जब वो कर्म हमारे अंदर आते हैं, हमारी आत्मा के साथ जड़ता से चिपट जाते हैं, उससे क्या होता है, भारीपन, जड़ता, चिपचिपाहट, गतिहीनता, हमारे अंदर जो जोश होता है वो कम हो जाता है। कार्मान वर्गणाओं का जड़ता और चिपचिपाहट के कारण आत्मा से चिपकना, दैट इज कॉल्ड निगेटिव बाइंडिंग एनर्जी। कर्म बंध जो हमारी आत्मा के साथ होता है, दूध पानी की तरह एक में एक मिल जाते हैं, फोनॉन फोटोन इंट्रैक्शन उसे कहते हैं, फोटोन वेव मॉड्यूलेशन भी उसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्म बंध। अब ये कर्म बंध जो होता है, ये नकारात्मक ऊर्जा का ओरा में प्रवेश हो गया, कर्म हमारे अंदर आ गए तो हमारी ओरा जो है, हमारे आजू बाजू में आभा मंडल है, उसमें ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, और फिर ये इफेक्ट करती है हमारे पीनल पिट्यूटरी ग्लैंड पर, जो यहाँ पर मस्तिष्क में आज्ञा चक्र के बीच में होते हैं, जिससे सिक्रीशन होते हैं हार्मोन्स के, जो हमारे बॉडी के पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। विचारों में नकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, अधिक मात्रा में अशुभ विचार आने लगते हैं। तेजस शरीर का दुर्बल होना, जो हमारे आसपास में तेजस शरीर होती है, हमारे शरीर की कांति होती है, बिकॉज ऑफ निगेटिव एनर्जी वो कांति भी कम हो जाती है, हीन होने लगती है। पंचेंद्री मन वचन काय श्वास आयु का दुर्बल होना, और हमारी इंद्रियां शिथिल होने लगती है, मन वचन काय हमारा दूषित होने लगता है, और हमारे श्वास भी धीमी हो जाती है, आयु भी हमारे दुर्बल होने लग जाता है, हमें बीमारी का एहसास होता है और हम बीमार हो जाते हैं। तो ये कारण है क्रोध मान माया लोभ हमारे बॉडी के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। नकारात्मक विचार जो होते हैं, प्रदूषित भावनाएं होती हैं, उससे हमारे अंदर बीमारियां होती हैं। अब हमें इन नकारात्मक बीमारियों विचारों से कैसे मुक्ति पाना है, प्रदूषित भावनाओं से कैसे मुक्ति पाना है, बीमारियों को कैसे हटाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, आगे देखेंगे हम। आरोग्य हमें कैसे प्राप्त होता है, तो अगर हम उन निगेटिव विचारों को छोड़कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, तो जाप करने से क्या होगा, आपके शुभ भाव बनेंगे। शुभ भाव से क्या होगा, हमारे परिणाम शुद्ध होंगे, और शुभ परिणाम होने से क्या होगा, जो कर्मों का आश्रय होगा वो शुभ होगा।
परमाणु आश्रव शुभ होने से प्रभाव अंदर हमारे अंदर जो आत्म परिणाम कर्म आएंगे उससे हमें हल्कापन महसूस होगा, शुभ आश्रव से गतिशीलता होगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी हमारी, भाव में मन में प्रकंपन होगा, नमोकार मंत्र बीजाक्षर ऊर्जा से द्रव्य मन में प्रकंपन होगा। हमने पिछले बार पढ़ा था ना 8 पंखुड़ियों का द्रव मन हमारे अंदर होता है हृदय में, तो वो उसमें भी प्रकंपन होगा। कर्मों का क्षयोपशम होगा। क्षयोपशम मीन्स हमने आपको बताया था कुछ समय के लिए वो कर्म दब जाएंगे, कुछ समय के लिए सद्वस्था रूप उपशम होगा उसमें। तो ये इस प्रकार से फोनोन फोटोन इंट्रैक्शन उसमें भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। सकारात्मक ऊर्जा का ओरा में प्रवेश होगा। कौन सी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश हो रही है? सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश होगी, और जो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है वो ऊर्जा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे मस्तिष्क में, उसमें पीनल और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी असर करेगा, और उससे हमारे बॉडी में जो विचार होंगे वो सकारात्मक परिवर्तन होंगे, उसमें हमारे विचारों का सकारात्मक परिवर्तन होगा। अधिक मात्रा में उससे क्या होगा? शुभ विचार होगा। उससे क्या होगा हमारे बॉडी में? शुभ विचार होगा। शुभ विचार से तेजस शरीर का शक्तिशाली होगा। हमारा तेजस शरीर जो हमारी कांति है, जो हमारे आजू बाजू में ऑरा है, वो प्रभावशाली होगा। वो तेजस शरीर हमारा अच्छा तेजस होगा, मतलब हमारे शरीर के आजू बाजू कांति आएगी, और दस प्राण हमारे होते हैं, उन 10 प्राणों को शक्तिशाली महसूस होगा। हमें एक बॉडी में चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती, आलस्य प्रमाद हट जाएगा, और हमें ताकत महसूस होगी, शक्ति महसूस होगी। पंचेंद्री मन वचन काय जो हमारे अंदर है, श्वास है, आयु है, ये सारे शक्तिशाली हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ नमोकार मंत्र जाप हम अपने आप को इस तरीके से हील कर सकते हैं। सकारात्मक चक्र इसे कहते हैं जो हमें हील करता है। हम जो नमोकार मंत्र का जाप करते हैं उससे हमारे अंदर ये परिवर्तन होता है। हम ऐसे ही नमोकार मंत्र का जाप नहीं करते, या अनादि काल से हमें अनादि निधन मंत्र को जाप करने के लिए ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये मृत्युंजय जाप है, ये महामंत्र है। इसका जाप करने से हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, श्रद्धा से भक्ति से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। नमोकार मंत्र जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह भी होते हैं, ये तो बच्चे जो अंदर पेट में होते हैं उनके लिए भी कैसे लाभदायक है, इसके बारे में भी आज कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। जब जीव गर्भ में आता है तो आत्मा के साथ कारमान और तेजस शरीर भी होते हैं। अभी ये सेकंड अध्याय जो चल रहा है इसमें आपको विग्रह गति वगैरह बताएंगे। तो विग्रह गति में जब हमारी आत्मा इधर से मरण प्राप्त कर, मनुष्य गति से मरण हुआ, हम देव गति में जा रहे हैं, उस समय जो 1, 2, 3 समय बीच में होता है, उस समय हमारे पास कोई शरीर नहीं होता, केवल हमारी कारमान वर्गणाएं, हमारे जो जिंदगी में हमने कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, वो हमारे साथ एक गति से दूसरे गति में जाते हैं। और हमारा जैन दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। या पैदा होने के पहले कहीं ना कहीं मृत्यु तो होती है ना, तो मृत्यु के समय अगर जीव के संक्लिष्ट परिणाम हुए होंगे, आर्त्रोध ध्यान हुआ होगा, तो वे कारमान वर्गणाएं जीव के साथ इस जीवन में आती है। जो हाँ वो जन्म लेता है वहां कारमान वर्गणाएं हमारे साथ आती है। इसीलिए कोई बच्चे रातों को रोते रहते हैं, कोई बहुत डरपोक होते हैं, हमें ये संस्कार दिखते हैं, महसूस होते हैं। इसीलिए माताएं अगर नमोकार मंत्र की पवित्र ऊर्जा इस जीव को हस्तांतरित कर सकती हैं, गर्भस्थ शिशु सुन सकता है। आप अभी महाभारत देखते हैं, उसमें अभिमन्यु ने, आपने देखा है कि अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह में घुसने प्रवेश करने की विधि सीख ली थी। तो बच्चे जब गर्भस्थ में होता है तब भी मंत्रों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए गर्भ अवस्था से ही उनके ऊपर नमोकार मंत्र का वाइब्रेशन संस्कार देना चाहिए। इस पानी की वजह से जो गर्भाशय में पानी होता है, गर्भ हमेशा पानी से घिरा हुआ होता है। इस पानी की वजह से गर्भ सभी प्रकंपन वाइब्रेशन को महसूस करता है, और नमोकार मंत्र बीजाक्षर उच्चारण से निर्मित होने वाली ध्वनि तरंगे पानी के माध्यम से गर्भ में गर्भतरण वाले बच्चे के पास जाती है। यह ध्वनि तरंगे शक्तिशाली होती हैं। ये नमोकार मंत्र हमें कैसे इफेक्ट करता है प्रेगनेंसी में, ये आपको मैंने बताया। अब माँ के भाव जब बच्चे के प्रति सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र होते हैं, वह प्रेम और क्षमा से भरे होते हैं। माँ जब अपने पेट में दाहिने हाथ रखकर नमोकार मंत्र का उच्चारण करती है, राइट हैंड व्हेन शी कीप्स ऑन हर स्टमक, और भक्ति भाव पूर्वक करती है, तो उसके पीछे उसकी यही कामना होती है कि आने वाला जीव का कल्याण हो। इससे पवित्र शुद्ध निर्मल ऊर्जा का
एक गहरा स्रोत निर्मित होता है। यह ऊर्जा माँ बच्चा दोनों के प्रकंपन पैदा करता है और यह प्रकंपन शक्तिशाली होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि नमोकार मंत्र कैसे बच्चे पेट में है उसके लिए भी इफेक्टकारी है, उसके ऊपर भी वो उसका इफेक्ट पड़ता है, तो हमारे ऊपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमें चलना है नमोकार मंत्र के लिए। हमने पिछले बार जो ध्यान करा था उसमें नमोकार मंत्र का ये सारा चीज करते हुए हम लास्ट में बीजाक्षर पर आए थे, और बीजाक्षर ध्यान हमने किया था। आपको याद होगा कि बीजाक्षर हमने कहाँ किए थे, हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में अरहंत परमेष्टि का ध्यान किया था, दोनों इसके बीच में अरहंत परमेष्टि कौन से कलर से किया था, व्हाइट कलर से। तो हम चलेंगे अब अपना ध्यान करने के लिए पंच परमेष्टि भगवान का, और जो मैंने आपको बताया था वही कलर का विजुलाइजेशन आपको करना है और हम अपना ध्यान अब प्रारंभ करेंगे। तो नमोकार मंत्र का ध्यान मैंने इससे पहले उसकी महिमा आपको बताई कि नमोकार मंत्र की क्या महिमा है। आप महिमा जानने के बाद उसके ऊपर श्रद्धा तो हमारा है ही अटूट अनादि काल से। तो अब हम अपने नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे। जो मैं आपको कहूंगी आप अपनी आंखें बंद करके उसको वैसा फॉलो करिए और वैसा महसूस करिए, और आपको भी जोर से प्रोनाउंस करना है। डोंट थिंक कि आजू बाजू हमारे कौन बैठे हैं क्या सोचेंगे, अपना माइक लेकिन आप बंद रखेंगे क्योंकि सब लोग को डिस्टर्ब होगा, इसलिए आप अपने घर पे बैठ के ही नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे। आप आराम से अच्छे पोजीशन में बैठ जाइए जिससे आपको तकलीफ ना हो, और रिलैक्स हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये नमोकार मंत्र वाला ध्यान किया था, हमने सेकंड हाफ में किया था, तो आधे लोग उसमें छूट गए थे, उनके फोन थे कि हमने अटेंड नहीं किया, इसलिए मैं पहले नमोकार मंत्र का आपको ध्यान करा दे रही हूँ। और पहले हमने ये सब आपको बता चुकी हूँ मैंने, पावर हैंड्स बनाना, सुरक्षा कवच बनाना, दिग्वंदना करना हम पहले कर चुके हैं। क्लास में समय कम होता है इसलिए बार बार उस चीजों को रिपीट हम नहीं कर पाते, लेकिन आप जब सुबह ध्यान करेंगे तो आपको प्रोसीजर बराबर फॉलो करना है, जो आपके पास वीडियो है उसके हिसाब से आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, तो अब हम सीधे नमोकार मंत्र के ध्यान के लिए अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप आंख बंद करिए और अपने आराम से अपनी जगह पर बैठ जाइए, और आंख बंद करने के बाद अब मैं जो बोलूंगी आपको उसको फॉलो करना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, आवाज नहीं आ रही। हे प्रभु, आपके चरणों में अब आ रही है, अब आ रही है आवाज? यस मैम आ रही है। हाँ, अपना माइक बंद कर लीजिए आप लोग, मैं बोल रही हूँ। आप लोग भी वही शब्द रिपीट करेंगे जो मैं बोलते जा रही हूँ, आपको भी वही सब कुछ रिपीट करना है, अपने बोलना है सब चीजें जो मैं बोल रही हूँ वो आपको भी रिपीट कर करके बोलना है। ठीक है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। हे प्रभु, आज का ये दिन मंगलमय हो, आज का ये दिन मुझे मिला इसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मैं अपने गुरुजनों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान प्राप्त कराया जिससे मैं औरों को भी ज्ञान दे सक रही हूँ। हे भगवान, मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाकर अच्छे संस्कार दिए। हे भगवान, मैं अपने लौकिक शिक्षा जिन्होंने मुझे दी उन गुरुओं को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ज्ञान शिक्षा प्रदान करी जिससे मैं बच्चों को पढ़ा सक रही हूँ। हे भगवान, मैं अपने सारे इष्ट मित्रों का, अपने सारे दोस्तों का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे मान सम्मान, प्यार और वात्सल्य दे रहे हैं। ये हुआ शुक्राना, ये हुआ धन्यवाद जो हमें रोज सुबह अपने उठ के अपने जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमारे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे प्रभु, इनको सबसे पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए। अब इसके बाद हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। किससे क्षमा मांगनी है? हे भगवान, मेरे द्वारा एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री, इनका
अगर मन दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो मेरे किसी भी कार्य से, चलने में, फिरने में, सोने में, उठने में, बैठने में, जागने में, मेरे किसी भी क्रिया से अगर इनको कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं इन सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। सब मुझे क्षमा करें। मैं सबको क्षमा करती हूँ। मेरे हृदय में केवल क्षमा और वात्सल्य है। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सुबह उठकर सबसे पहले हमें सब जीवों से, हमारे सब इष्ट मित्रों से, हमारे माता पिता से, हमारे सब संयोगियों से हमें क्षमा मांगनी चाहिए। और क्षमा मांगने के बाद अब हमने शुक्राना कर लिया, हमने क्षमा मांग ली, अब हम पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में चलेंगे। हम चलते हैं अब अरहंत परमेष्ठी के दरबार में। अरहंत परमेष्ठी हमारे कहाँ विराजमान है? अरहंत परमेष्ठी हमारे विदेह क्षेत्र में विराजमान है। आज भी उनका समोषरण वहां लगा है। उस समोषरण में हमें चलना है। आप लोग मन पूर्वक तैयार हो जाइए। हम समोषरण में चलेंगे। आंखें बंद रखिए। हमें समोषरण में चलना है। भगवान के दर्शन करने हैं, उन्हें नमोस्तु बोलना है और उनसे उन्होंने जो चार घातिया कर्म नष्ट किए हैं, उन चार घातिया कर्मों को नष्ट कर उन्हें जो अनंत चतुष्टय धारी हुए हैं, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये गुण उन्हें प्राप्त हुए हैं। ये गुणों की जो ऊर्जा है, वो व्हाइट ऊर्जा, वो सफेद ऊर्जा हमारे मस्तिष्क के फॉरहेड पे, हमारी दोनों आईब्रो के बीच में, आज्ञा चक्र में एक एक बीजाक्षर के साथ प्रवेश करेगा, ऐसा हमें महसूस करना है। आप लोग पंचकल्याणक में समोषरण तो देखते ही हैं। हम अपने समोषरण में चलें और अरहंत परमेष्ठी भगवान से उनकी सफेद ऊर्जा ग्रहण करेंगे। सांस लंबी लेना है, लंबी सांस लीजिए। अरहंत परमेष्ठी को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। धन्यवाद प्रभु, आपकी व्हाइट एनर्जी, आपकी सफेद ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हमारे हार्मोन्स को सिक्रीशन अच्छा हो रहा है। हमारे सारे शरीर में सफेद रंग, सफेद वर्ण, पूरे शरीर में, सारे ऑर्गन्स में, सारे बॉडी में फिल हो गया है। जैसे भगवान के शरीर में चोट लगती है तो वाइट दूध की धार निकलती है, ऐसे ही भगवान मेरे शरीर में भी, सारे शरीर में सफेद वर्ण दूध की लहर के समान पूरे शरीर में भरा हुआ है। और मेरे अंदर करुणा, दया, शांति, सुख, पीस का अनुभव हो रहा है। मेरे WBCs जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कण जिसे हम कहते हैं, उनमें जो डिफेंस सिस्टम होता है, प्रतिरोधक शक्ति, वो भी बढ़ रही है। उससे मुझे
इम्यून सिस्टम मेरा स्ट्रांग हो रहा है और जो ये कोरोना आदि बीमारी आसपास में फैली है उससे लड़ने की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया है। धन्यवाद भगवान। नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। दोनों हाथों को आपको नियर अबाउट 30 times रब करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब आधा मिनट तक के आपको रब करके आप दोनों आंखों पे रखिए अपने हाथों को, एनर्जी महसूस करिए, अपने सिर पे रखिए, अपने कानों में रखिए, अपने दोनों गर्दन पे रखिए, दोनों हृदय पे लाइए, सारे शरीर में आपको अनुभव होगा व्हाइट एनर्जी का प्रकंपन। आंखें अपनी आप खोल सकते हैं। आपने सफेद रंग से अरहंत परमेष्ठी का ध्यान किया, आपको कैसा लगा अरहंत परमेष्ठी का ध्यान? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, थैंक यू। अब चलेंगे हम सिद्ध परमेष्ठी भगवान के दरबार में। आपको पुनः अपनी आंखें बंद करना है और सिद्ध शिला पर हमें अपना कॉन्सेंट्रेट करना है और हम चलेंगे सिद्ध भगवान के दरबार में। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब हम चलेंगे हमारे सिद्ध भगवान के पास। अर्चना जी। हाँ जी। मेरे को शुरू में ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हुआ था, क्या थोड़ा सा आप मुझे रिपीट करोगे या बाद में करेंगे? मैं नेक्स्ट वाले इसमें सेकंड हाफ में है ना, सेकंड वाले हाफ में बता दूंगी, ठीक है? मैं रिजॉइन कर लूंगी फिर से बता। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, मेरा रह गया, मुझे अफसोस हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग माइक ऑफ कर दीजिए अपना। जी जी जी। ओके जी। नमो सिद्धार्थम, नमो सिद्धार्थम। आंख बंद आपकी। हमें 14 लोक, हमारा जो लोक है 3 लोक है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। हमारे सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान होते हैं? सिद्धालय में। सिद्धालय कहाँ है? लोक के अग्रभाग में। लोक का अग्रभाग कहाँ है? 16 स्वर्गों के ऊपर, जो 9 अनुदेश है, 9 ग्रेवियक है, 5 अनुत्तर है, उसके एक बाल के अंतर के ऊपर सिद्धालय है। वो कैसी है? 45 लाख योजन, स्फटिक के समान अर्धचंद्राकार। इस सिद्धालय में सिद्ध शिला है, वो भी 45 लाख योजन की है। हमें सिद्ध शिला में प्रवेश करना है अपने मन के द्वारा। हम चलते हैं सिद्ध शिला में, सिद्धालय में। सिद्ध भगवान वहां पर विराजमान है। कैसे विराजमान है? उनका शरीर तो है नहीं, उनकी आत्मा केवल है, उनके आत्म प्रदेश केवल है। उनके आत्म प्रदेश कैसे विराजमान है? उनका जो शरीर का आकार था, जो हमारे आदिनाथ भगवान जैसे 500 धनुष के, तो उनके आत्म प्रदेश 500 धनुष में बिखरे हुए हैं। उनके शरीर के आकार में वो खड़गासन से मोक्ष गए हैं, तो सिद्ध भगवान वहां पर खड़गासन में विराजमान है। जो भगवान पद्मासन से मोक्ष गए हैं, वो वहां पर पद्मासन में विराजमान है। हम उनका दर्शन कर रहे हैं। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान है। वो कैसे एक दूसरे में समाहित हैं? जैसे आप दीपक की लौ देखते हैं ना, दीपक की लौ कैसी होती है? एक कमरे में हमने एक दीपक जलाया तो भी प्रकाश फैल जाता है, और 1000 दीपक जलाएंगे तो भी 1000 दीपक की लौ उस एक दीपक में ही समाहित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे सिद्ध भगवान भी अनंतानंत सिद्ध भगवान एक दूसरे में समाहित है, वहां पर विराजमान है। वो कैसे सिद्ध हुए? क्योंकि उन्होंने अपने अष्ट गुणों को नाश कर दिया है, अष्ट कर्मों को नाश कर दिया है। अष्ट कर्म कौन से? ज्ञानावरण। ज्ञानावरणी कर्म को नाश करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। दर्शनावरणी कर्म को नाश करके उन्होंने केवल दर्शन को प्राप्त किया है। वेदनी कर्म को नाश करके उनने अव्याबाधत्व सुख को प्राप्त किया है। मोहिनी कर्म को नाश करके उनने अनंत सुख को प्राप्त किया है, अनंत सम्यक्त को प्राप्त किया है। नाम कर्म को नाश करके सूक्ष्मत्व गुण को प्राप्त किया है। आयु कर्म को नाश करके
अगाहनत्व गुण को प्राप्त किया है, गोत्र कर्म को नाश करके अगुरु लघुत्व गुण प्राप्त किया है, अंतराय कर्म को नाश करके अनंत वीर गुण को प्राप्त किया है। ऐसे हमारे सिद्ध परमेष्ठी जो 8 गुणों से चमचमा रहे हैं, उनकी काया चमचमा रही है, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, वो तो परम औदारिक शरीर से भी ऊपर केवल आत्म प्रदेश ज्योतिमान है। उनसे हम उनकी 8 कर्मों को नष्ट करके उन्होंने जो ऊर्जा प्राप्त की है, जो अघात्या कर्म और घात्या कर्मों को नष्ट करके उन्होंने ऊर्जा प्राप्त की है, वो ऊर्जा हमें भी दे दो सिद्ध भगवान। हमें आपकी ऊर्जा चाहिए, रेड कलर की ऊर्जा सिद्ध भगवान से हम मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर सिद्ध भगवान के दरबार में सिद्ध भगवान से वो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। अब वो ऊर्जा हमारे पास आ रही है, रेड कलर लाल वर्ण के रूप में, लाल कलर लाल वर्ण हमारे मस्तिष्क में, फॉरहेड में, हमारे सिर पर, हमारे सहस्त्रार चक्र को, 1008 पंखुड़ी का हमारे माथे पर, हमारे फॉरहेड के ऊपर, हमारे मस्तिष्क पे 1008 कमल का जो चक्र है उसे एक्टिवेट कर रही है। वो 1008 कमल जो पंखुड़ी है वो हमारी सारी ऊर्जावान हो गए हैं, सारा लाल कलर से हमारा मस्तिष्क भर गया है और हमारी मेमोरी, जो हमारा मेमोरी है वो स्ट्रांग हो रही है, मेमोरी की शक्ति, हमारा जो इंटेलेक्चुअल पावर है, जो हमारी बुद्धि है, उस प्रखर हो रही है। अब वो एनर्जी लाल हमारे अंदर, हमारे फॉरहेड पे, हमारे सामने मस्तिष्क पे आ रही है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे पीनियल ग्लैंड जिसमें हमारे हार्मोन सिक्रीशन होते हैं उसको एक्टिवेट कर रही है, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रही है। आज्ञा चक्र से वो एनर्जी आगे हमारी दोनों आंखों पे, हमारी आंखों की ज्योति बढ़ रही है, भगवान की एनर्जी से हमारे दोनों कानों में सुनने की शक्ति बढ़ रही है जिससे हम भगवान के भजन सुन सकेंगे, हम भगवान का दर्शन कर सकेंगे दीर्घ काल तक के। मुखमंडल में वो एनर्जी आ रही है जिससे हम भगवान का गुणगान कर सकेंगे हमेशा। अब वह एनर्जी नीचे हमारे कंठ पे आके हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा रक्त संचार है वो मजबूत हो रहा है, हमारे RBCs जो रक्त कण है हमारे शरीर में उसमें एनर्जी मिल रही है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, हमारे शक्ति में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, सारे शक्ति सारे शरीर में शक्ति का ऊर्जा प्रवाह फैल रहा है, रेड कलर सारे बॉडी में है, हमारे रक्त कण सारे बॉडी में, रक्त कण हमारे स्ट्रांग हो रहे हैं, RBCs हमारे ऊर्जावान हो रहे हैं और हमें प्रमाद आलस्य को दूर करने का मौका मिल रहा है, हमारा प्रमाद आलस्य दूर हो रहा है, हमें चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती महसूस हो रही है, ऊर्जावान महसूस हो रहे हैं। रेड कलर से सारे शरीर में ऊर्जा दौड़ रही है। हे भगवान, हे सिद्ध भगवान, आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। आपकी एनर्जी आपने मुझे दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को 30 सेकंड के लिए आपको रब करना है, हथेलियों को, दोनों हाथों की हथेलियों को आपको दोनों आपस में रगड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मीन्स आधा मिनट के लिए आपने रब करी। अब दोनों हाथों को अपने हाथों आंखों पे लगा लीजिए, मुखमंडल पे लगाइए, आपके मस्तिष्क पे लगाइए, आपके कान पे, आपके गले पे दोनों हाथ, आपके हृदय पे, सारे शरीर में आप इसको का संचार महसूस कर रहे होंगे। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा आपको? हाउ यू आर फीलिंग सिद्ध भगवान का ध्यान करके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये हमारे पास टाइम की बहुत कमी हो रही है, 1 मिनट बचा है, आप लोग को फिर से रिजॉइन करना है अगर पंच परमेश्वरी का आगे ध्यान और हमें करना है तो। आपके पास केवल 1 मिनट है, हमें फिर से रिजॉइन करना, आप फिर से रिजॉइन करिए, आई विल बी देयर, ठीक है? क्योंकि 1 मिनट में हमारा ध्यान अभी कंप्लीट होगा नहीं आचार्य परमेश्वरी का, तो आप लोग अपना अनुभव इस 1 मिनट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा।
आप हमें सिद्धालय में लेके गए। हाँ कैसा लगा? सिद्धालय में लेके गए आप। हाँ अच्छा लगा ना सिद्ध भगवान से मिलके। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। अभी रिज्वाइन करते हम। हाँ सब लोग को रिज्वाइन करना। ऋचा भाभी आपको अच्छा लगा? हमारी ऋचा भाभी भी आज प्रेजेंट है। ऋचा भाभी आपने ध्यान किया, आपको अच्छा लगा, थैंक यू। हमें रिज्वाइन करना है फिर से सब लोगों को। आप लोग रिज्वाइन करिए।